नमस्कार मित्रों, मैं इंदुकांत आंगिरस बुक रिव्यू पुस्तक परिचय में आपका स्वागत करता हूँ। आज और एक दुर्लभ पुस्तक लेकर हाजिर हूँ और यह पुस्तक बाइलिंगुअल है, यानी दो भाषाओं में है, हिंदी और जापानी भाषा में। पुस्तक का नाम है तकेतोरी मोनोगातारी और इसके लेखक हैं आकिया हागा, आकियो हागा, और इसका प्रकाशन जो है और इसमें जो चित्र बने हुए हैं पुस्तक में वो बनाए हैं इदुमी ओसावा। यह आप देखें, बहुत ही सुंदर पुस्तक है ये दोनों भाषाओं में। पहले इसका कवर पेज देखें आप, ऊपर जापानी और नीचे हिंदी अनुवाद सब। ये इसका पीछे का पृष्ठ है, बैक कवर। यह पुस्तक मुझे आकियो हागा ने भेंट करी थी और ये 22 सितंबर 2005 की जब उन्होंने मुझे भेंट करी थी वो उनके हस्ताक्षर भी इस पर मौजूद हैं, तो इसलिए भी यह पुस्तक और भी दुर्लभ हो जाती है यह प्रति जिस पर लेखक के हस्ताक्षर हों, तो वह प्रति आप सभी जानते हैं कि और भी दुर्लभ हो जाती है। यह वो पृष्ठ देखें जो उन्होंने मुझे भेंट करी थी। अब इस पुस्तक में चित्र देखें आप, कितने सुंदर जापानी चित्र बने हुए हैं। और यह इसके बाद यह जापानी लिपि में वो कहानी है तकेतोरी मोनोगातारी की, और उसके बाद जो उसका बाद का पार्ट है तो तकेतोरी मोनोगातारी बांस काटने वाले की कहानी है, उसको हिंदी में बांस काटने वाले की कहानी है। तो ये एक जापानी कथा पे आधारित पुस्तक है और ये इसका हिंदी अनुवाद जो उन्होंने ही लेखक ने स्वयं करा है, जो कि हिंदी भाषा भी जानते हैं, ये आप देख रहे हैं। तो यह पुस्तक अपने आप में बहुत दुर्लभ है, जो कि दो भाषाओं में भी है और अनुवाद के साथ है। एक तरह से एक लंबी कहानी है, तो मैं पूरी कहानी तो नहीं लेकिन उसके कुछ अंश आपको थोड़े से उसमें पढ़ के सुनाता हूँ। आधुनिक जापानी और हिंदी भाषा के अनुवादक और पुस्तक लेखक अकियो हागा, चित्रक इदुमी ओसावा। एक समय की बात है, नरा के सनुकी नाम के गांव में तकेतोरी नो ओकिना नाम का एक बूढ़ा रहता था, जिसे बाद में लोगों ने सनुकी नो मियोतो कोमारो नाम से पहचाना। ओकियो मैदान में पहाड़ में जाके बांस काटकर उससे तरह तरह की चीज़ें वह को नाम की टोकरी बनाकर बेचता था, यही उसकी जीविका का साधन था। एक दिन जब ओकिनो बांस के वन में गया तो उसने देखा एक बांस के नीचे का भाग चमक रहा है। उसने आश्चर्य से नज़दीक जाकर देखा तो बांस की खोखली नली के अंदर से रोशनी आ रही है। उसने उसके अंदर देखा तो एक प्यारी सी बच्ची थी। ओकिनो मन में बुदबुदाया, जो कोर नाम की टोकरी में सुबह से शाम तक बांस काट कर बनाता हूँ मेरी होती है, तो बच्चे को भी को कहते हैं, इसीलिए यही बच्ची भी मेरी हो जाएगी। चूँकि लगभग 3 सुन यानी 9.9 सेंटीमीटर की छोटी बच्ची थी, उसे अपने हाथ में रखकर घर लिया है। ओना नामक अपनी बुढ़िया बीवी से सहेज कर बच्ची का पालन करवाता है, वह हद से ज़्यादा प्यारी है। चूँकि यह बच्ची बहुत छोटी है इसलिए इसे को नाम की बांस की टोकरी में पालती है। तकेतोरी नो ओकिनो उसके बाद भी बांस काटने वन में जाया करता था। इस बच्ची के मिलने के बाद से बांस की गांठों के बीच की खोखली नली में सुनहरा सोना मिला करता और वह ऐसे धीरे धीरे धनवान हो गया। तो यह एक जापानी लोक कथा है जिसे उस लेखक ने लिखा, लोक कथा के साथ कुछ उनकी कल्पना भी इसमें रही होगी, उनकी कथा है और साथ में हिंदी अनुवाद जो कि हिंदी के पाठकों के लिए। तो यह
जो किताब है, पुस्तक है, यह जो हिंदुस्तानी लोग हैं या जो जो जापानी भाषा पढ़ रहे हैं उनके लिए, और जो जापानी हिंदी भाषा पढ़ते हैं उनके लिए, उन दोनों के लिए उपयोगी है और दोनों ही इसका लाभ उठा सकते हैं। क्योंकि जो भाषा को सीखते हैं अनुवाद, उसमें एक लर्निंग एक्सरसाइज होता है, तो उस लिहाज से यह पुस्तक दोनों ही लोगों के लिए उपयोगी है। मैं चाहूँगा कि आप इस पुस्तक को अपने मित्रों के साथ साझा करें, उन दोस्तों के साथ साथ साझा करें जो जापानी सीख रहे हैं, या जो उन जापानियों के साथ साझा करें जो हिंदी सीख रहे हैं। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सबको यह पुस्तक पसंद आएगी। धन्यवाद, नमस्ते, शुक्रिया।